सिटी न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मनिका प्रखंड के दुंदु पंचायत के दुंदु पुरानी टोला में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 3 में आंगनबाड़ी सेविका के मनमानी रवैये से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों से बात करने पर बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविका सुरबाला देवी ने दुंदु पुरानी टोला आंगनबाड़ी केंद्र में महीना के 4 दिन ही आती है, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को सही से पढ़ाई नहीं होना गंभीर विषय है, ना ही बच्चों को पौष्टिक आहार भी समय से नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो लाभ बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सेविका सुरबाला देवी को आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित रूप से आने के लिए कहने पर आंगनबाड़ी सेविका सुरबाला देवी ग्रामीणों के साथ झगड़ा भी कर लेती हैं और सेविका सुरबाला देवी के द्वारा कहा जाता है कि हमें और भी काम है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण करने आए मनिका प्रखंड 20 सूची उपाध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका सुरबाला देवी नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आती हैं। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत सही यानी कि महीना में 4 दिन ही आंगनबाड़ी केंद्र आती हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इस समस्या के बारे में मनिका CDPO एवं जिले के उपायुक्त को भी अवगत कराएंगे। मौके पर देवंती देवी, सरस्वती देवी, मनिता देवी, राजो देवी, कौशल्या देवी, बुधनी देवी, सरिता देवी, मुन्नी देवी समेत अनेकों ग्रामीण उपस्थित थे। आंगनबाड़ी की समस्या ये है कि यहाँ के जो सेविका है ना, क्या बोलते हैं, करमाही रहने वाली है, उनको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ सेंटर जब खुलता है तो प्रतिदिन आइए, बच्चे को पढ़ाइए। बोलती है कि आप लोग कितना कुछ बोलिएगा, हम लोग नहीं आने सकेंगे प्रतिदिन। यही मेरा काम है। तुम लोग जैसा, हम लोग घूरने ही वाला आदमी है, ऐसा बोलती है। और हम लोग के बच्चे यहाँ सेंटर में पढ़ने वाला है, हम लोग जबरदस्ती बैठाते हैं स्कूल में। स्कूल के सर लोग भी नए बच्चे लोग के बोलते हैं कि मत आइए, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा है तो घर बैठा के हम लोग क्या करेंगे, इसी चलते हम लोग भेज देते हैं। और वो सेविका जो है यहाँ सेंटर के, वो महीना में कम से कम 2-3 या 4 बार आती है, अपना वही बही लेके आती है और अपना हाजिरी पूरा लिस्ट पढ़ के चल जाती है। अच्छा, तो ये जो है महीना में कितना बार आती है? महीना में कम से कम 4 या 5 बार आती हैं। अच्छा, तो बच्चा लोग को जो है पोषक आहार मिलता है सही से? जब मैडम ऐबे नहीं करेगी, बच्चे यहाँ रहबे नहीं करेगा तो क्या मिलेगा, नहीं मिलता है। और हाँ, बोलिए। और वही बोलते हैं तो हमें लोग से बोलने लगती है कि यही मेरा काम है, से हम प्रतिदिन नहीं आने सकेंगे। अच्छा, ये तो जो है कितना बच्चा इसमें जो है यहाँ पर नामांकन है? पूछते हैं उन्हीं से तो बोलते हैं कि कम से कम 40 बच्चा के यहाँ मैंने पढ़ाना लिखाना चाहिए, 40 बच्चा के यहाँ पोषाहार मिलता है। तो ऐबे नहीं करती तो कहाँ से यहाँ बच्चा रहेगा? जबरदस्ती कानून से 4-5 गो क्या बोलते हैं 8-9 साल या 10 साल के भी बैठा के खिचड़ी देकर फोटो वोटो कर लेती है। मतलब ऐसे बैठा कर फोटो? हाँ, ऐसे बैठा कर फोटो फोटो कर लेते हैं। हाँ, कर लेती है। हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग के बात का यहाँ वैल्यू नहीं है, तो कहीं जही बोल देती है। मतलब आपका कहना है कि बच्चा लोग ऐसे बैठा के फोटो को फोटो करके हाजिर खिचड़ी देके फोटो खींच लेती है, लेकिन प्रतिदिन नहीं आती है। यहाँ बहुत सारा बच्चा है पढ़ने वाला सेंटर से, लेकिन कुछ हम लोग के बात के मैंने समझ में नहीं करती है। अच्छा, ये तो कितना नंबर है? ये 3 नंबर है, 3रा नंबर का सेंटर है ये। 3रा नंबर का सेंटर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू देवी। राजू देवी, अपना उपस्थिति कर लेती है। मतलब ऐसे बच्चा को बैठा के और फोटो वोटो करके अपना जो है से अपना काम निकाल लेती है। काम निकाल लेती है। और आप लोग बोलते हैं कि नहीं? कुछ बोलते हैं हम लोग तो, हम ही लोग से झगड़ती है, बोलती है जी आप लोग कुछ भी कीजिए, हम यहाँ प्रतिदिन नहीं आने सकेंगे, मेरा यही काम नहीं है। अच्छा, बोला जाता है उनके द्वारा? हाँ, उनके द्वारा ऐसा, यही काम नहीं है मेरा, और काम है। तो बच्चा को पोषण आहार तो फिर नहीं मिलता होगा? कहाँ से मिलेगा, ये नहीं करती है तो मिलेगा कहाँ से? तो आप लोग बोलते हैं उसके बाद भी बात नहीं मानती? हाँ, नहीं मानती है। तो फिर यहाँ का भी बोलते हैं जी अगर ऐसा बात है तो बगल वाला के भी रखिए पढ़ाने के लिए। तो बोलती है जी नहीं, हमरे नहीं मिल रहा है, मान दे तो हम कहाँ से रखेंगे, से बोलती है। अच्छा, बोला जाता है। हाँ, तो फिर यहाँ पर वो भी कहते हैं तो खाना बनाने वाला दीदी ये भी बनाती है तो किनको खिलाएगी, बनाएगी तो किनको खिलाएगी, जब बच्चे नहीं रहेंगे तो।
ती रहती है यहाँ पे उपस्थिति, देखते हैं जो बच्चा है ये नहीं है तो बनाएगी कहाँ से, मिला जुला के पूरा घपला किया, घपला किया जा, यही कहना ना, मिला जुला के आंगनबाड़ी में जो है उनके द्वारा जो है घपला किया जा रहा है। और आप लोग का बात करा इनका माना नहीं, मानिए नहीं रही। तो कितना बच्चा लोग इसमें, 40 बच्चा बोलती है, 40 बच्चा, 40 बच्चा। तो आंगनबाड़ी सेंटर कितना नंबर का है? 3 नंबर। कहाँ पड़ता है? पुरानी टोला दुंगू, पुरानी सामने प्रखंड बिसुतरी के उपाध्यक्ष नंद किशोर जी हैं, और उनके द्वारा आंगनबाड़ी में दुंदू पुरानी टोला से आंगनबाड़ी में जो है से इनके द्वारा निरीक्षण किया गया, और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा क्या पाया गया, बताइए सर। नहीं, हम लोग आए तो बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मेरा गृह क्षेत्र भी है कि यहाँ पर आए तो सेंटर में ताला लटका हुआ है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और खास करके कि प्रखंड मुख्यालय से अंतिम छोर में यह सेंटर है और ट्राइबल क्षेत्र है, और ट्राइबल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में डेवलप के लिए जो सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, जो तरह तरह का अभियान चला रही है, वो मैंने अथी जमीन पर नहीं सफल हो पा रहा है, यह मैंने देखने को मिला। तो मैं CDPO से यह मांग करूंगा कि ऐसे जो सेविका हैं, जो काम चोर हैं, जो अगर कहते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों से पता चला को बोलती है कि हमारा यही काम नहीं है, तो तुम्हारा यही काम नहीं है तो तुम रिजाइन करो। ऐसे योग्य व्यक्ति जो हैं उनको काम दिया जाएगा और आपको रहने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ट्राइबल क्षेत्र में ट्राइबल सेविका को चयनित करके दिया गया ताकि अपने घर के लोग रहेंगे तो अच्छा से सेवा मेहनत करेंगे, बच्चों का विकास होगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। वो आती नहीं है, महीने में दो दिन तीन दिन आती है, उससे क्या होना है? आप उसको डेली आना, यहाँ डेली बच्चों को बैठाना है, पढ़ाना है, पौष्टिक भोजन देना है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं तो जिला कलेक्टर से भी शिकायत करूंगा इस बात को कि ऐसे कर्मचारी पर आप लगाम लगाएं और सरकार को बदनाम होने से बचें। और क्योंकि लातेहार जिला मेसो क्षेत्र है, यहाँ ट्राइबल बहुमूल्य क्षेत्र है, तो इसमें विशेष फोकस किया जाए कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को कैसे हर एक सरकारी जो भी योजना है उसको सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और रसोईया के बारे में, रसोईया के से भी पूछा गया आपके सामने ही, तो रसोईया बोले कि 4 दिन। हाँ नहीं, तो रसोईया में क्या गलती है? रसोईया आती है, अगर राशन रसोईया को दिया जाए, रसोईया बोल रहे हैं कि 4 दिन ही आते हैं, 4 दिन ही आते हैं, तो ग्रामीण भी बोले, तो यानी कि दोनों का बात ही ठीक ही है, आरोप यह सत्य है, गलत नहीं, सत्य है। हाँ, और मगर राशन दे सेविका तब ना रसोईया बनाएगी, वो तो रसोईया काम है सिर्फ भोजन को बना देना, लेकिन उसका व्यवस्थित करना तो सेविका का काम है, क्या करती है नहीं करती है, इसके लिए हम DC साहब को शिकायत करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, कैसे लोगों पर नंद किशोर यादव प्रखंड बिसुत्री उपाध्यक्ष मनिका।